क्यों भाई, तुम्हारा पेपर है, तुम पढ़ो, ये टीवी क्यों देखने लगे सुबह सुबह? पेपर फ्रेश माइंड से। भाई कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। तो ये फ्रेश कर रहा है आपका माइंड ये टीवी हैं? पढ़ लो बैठ के, चलो टाइम है अभी 10-15 मिनट, पढ़ो बैठ के। वाह क्या गिराते हो, चाय भी गिरा दिए, देख लो। आपको नहीं चलानी है, मैंने चलानी है। इसको लेके चलते हैं, ये वाली गाड़ी छोड़ दी अभी, ये लेके चलते हैं। चलो चलो जल्दी आओ बाहर। नहीं 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 टाइम नहीं, जल्दी बाहर आओ फटाफट से। आपने भी ऑन नहीं करनी यार, आगे आओ। तो भाई अक्षय को स्कूल छोड़ के अब चल पड़े हैं, एक बहुत ज़रूरी काम है। टाइम हो रहा है सुबह के 2:10 सुबह के, रात के यार ये टाइम सेट नहीं कर पाया हूँ। गाड़ी की बैटरी बदलवाए हुए तकरीबन 3 महीने हो गए, 3 से 4 महीने हो गए, और भाई ये टाइम सेट नहीं हुआ है। अब कर लेते हैं, गाड़ी साफ नहीं हुई है आज क्योंकि सुबह जल्दी निकल पड़े हैं। क्या बात है, ये भाई रोड का शहंशाह। आज ऐसा लग रहा है बहुत दिनों बाद इतनी जल्दी सुबह उठ के निकले हैं भाई। मौसम बहुत ही शानदार हो रहा है, धूप जो है वो निकली हुई है, लेकिन मीठी मीठी सी धूप है, मीठी मीठी सी, जैसे सोंधी सोंधी। भाई गलत कर रहे हो, ये गलत है भाई। तो मीठी मीठी सोंधी सोंधी सी धूप है, मतलब वहाँ से हमें यू टर्न लेना है और आप यहाँ से रोड से यू टर्न ले रहे हो, इससे क्या है कल को दिक्कत हो सकती है। आपको तो हो ही सकती है, गारंटेड है, आज नहीं तो कल होगा, लेकिन आपकी वजह से जो दूसरे को दिक्कत होगी, जो उधर से तेज आ रहा होगा उसको जो लगेगी, उसके जिम्मेवार कौन भाई? आप। तो कृपया करके ऐसे करके कभी भी बीच में से कहीं पे पत्थर नहीं होता तो वहां से बाइक मोड़ते हैं, वो बहुत ही गलत काम करते हैं। तो भाई कसम से उसको अवॉइड करो और बिल्कुल सही चलो, ताकि जो दूसरे की लाइफ है वो भी सही रह सके और आपकी लाइफ भी सही रह सके। तो भाई क्या था, तन्नु को तो 11 बजे से पहले गाड़ी चाहिए नहीं, तो मैंने सोचा यार तन्नु की गाड़ी लेके ना बस निकल चलते हैं भाई। रीज़न ये कि भाई छोटी गाड़ी ना कहीं भी सारी घुस जाती है, कहीं भी घुसेड़ दो भाई इसको। तो मैंने सोचा यार तन्नु की गाड़ी लेके भाई आज धूम धड़ाका कर देते हैं कि यार जहाँ हमें जाना है ना, वो जो है वो गलियां हैं गांव की, तो भाई उन गलियों में, गांव की गलियों में सफारी तो बिल्कुल भी नहीं जाएगी, कती नहीं जाएगी सफारी। तो हमारे पास जो टाइम है अभी 8:15 है, 8 बजे तक हम वहाँ पहुँच जाएंगे, और उसके बाद फिर क्या है कि तकरीबन 1.5 घंटे का काम है मुझे वहाँ पे, 1.5 घंटे का काम करके और उसके बाद फिर वापस आ जाएंगे, नहाएंगे धोएंगे, फिर जाना है एक बार को अपने को बहादुरगढ़। बहुत ज़रूरी काम है, एक मीटिंग है जो कि कई दिनों से पोस्टपोन होते 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 तो आज हो रही है। तो उसी संदर्भ में देखो, ये देखो भाई, ये रेड लाइट कह रही है देखो समझो और देख के अपने आप ही निकल लो, अगल बगल में देख लो कोई आ रहा हो तो भैया ब्रेक ब्रेक मार लेना, किसी को भी परेशान ना करना। तीनों लाइट ऑन थी भाई, तीनों मिनट्स आ चुके हैं देश में, अच्छे हैं। इससे साइड की जितनी मिट्टी विट्टी है सब ये अपने आप ही लाइक वो क्या कहते हैं वैक्यूम क्लीनर। तो ये सिविल डिफेंस और हमारे देश का दुर्भाग्य, इनकी पैंट भाई पीछे से तो रफू हो रखी, देख लो ये हालत है। केजरीवाल साहब थोड़ा ध्यान दो, आपने ये ठुल्ले तो रख दिए बसों में, इनके कपड़े वपड़े भी देख लो भाई, पीछे से पैंट फटी हुई थी भाई सिविल डिफेंस की। बस में क्या कहते हैं इनको, सिविल डिफेंस वालों को मार्शल्स। हाँ ये केजरीवाल जी ने बसों में मार्शल्स अपॉइंट किए हुए हैं, और इन मार्शल्स की हालत ये है कि बेचारे की पैंट फटी हुई थी, पीछे से रफू करवा के अपना काम चला रहे हैं। तो भैया इनको सैलरी वैलरी थोड़ा सा पैकेज बढ़ा दो, वैसे भी तो आप सारे पैसे शीश महल में लगा रहे हो यार, उस शीश महल को छोड़ के कुछ पैसे इनके ऊपर भी लगा लो भाई। ऐसे होता है टाइम खराब, 9:45 हो गए, मैं 8 बजे का आया हूँ और बंदा गायब है।
भाई क्या सीन था कि काम हो गया है और मैं निकल पड़ा हूँ दूसरी डेस्टिनेशन पे, बहुत ज़रूरी, यहाँ पर भी कुछ एक मतलब उसी जो काम है उसका ही कुछ और पार्ट है जो कि यहाँ से करवा के और इनको देना है, और ये मेरे को लगता है 2-3 बजे तक दे देंगे करके, तो यहाँ पर दे देंगे हम और उसके बाद फिर हम निकल जाएंगे घर। टाइम जो हो रहा है वो 11:10 पहुँच गए घर भाई, सुबह यहीं से 8:30 गाड़ी उठाई थी, वापस यहीं पे खड़ी कर दिया। आप आ गए कब भाई? तो गाइस मैच चल रहा है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का, 50-1 है और 11.3 ओवर है। अक्ष भाई साहब खाना खा लिया, थोड़ा पीछे को हो जाओ भाई साहब, थोड़ा पीछे आ जाओ, इतने पास से टीवी ना देखो यार। और 2:30 रहे हैं, हम सोच रहे 3 बजे तक निकल जाएंगे लेकिन लग रहा है थोड़ा सा लेट ही हो रहे हैं। तो गाइस क्या सीन है कि तैयार होकर निकल पड़े हैं, 3:30 का सोचा था लेकिन टाइम देख लो भाई, पूरे 3:30 ही हो रहे हैं। तो यार तगड़ा वाला आया था बैंक में चेक डालने और भाई गाड़ी जो है वो बंद हो गई, चाबी ना अंदर लग गई है यार, और ये खुल भी नहीं रही है। फ़ोन किया घर पर, वाइफ को बोला दूसरी चाबी अगर मिल जाए उनको तो भैया चाबी दे दो मुझे ताकि मैं गाड़ी खोल सकूँ और अंदर जा सकूँ, जो जाना था बहुत ज़रूरी। वो भाई साहब लेट हो रहा हूँ अब तो, 4:15 हो रहे हैं यार। भाई एसी में मज़ा आता है जीवन का, सही बता रहा हूँ मैं आपको, बाकी तो भैया बेकार की बातें हैं। गर्मी बाहर बहुत ज़्यादा, थोड़ी देर के लिए बैंक के बाहर खड़ा हुआ हूँ और भाई साहब पसीना इतना ज़्यादा आ गया ना, आ गया कि मतलब मेरी शर्ट पूरी जो है वो थोड़ी थोड़ी सी यहाँ से गीली हो गई है। और दक्ष अब ये वाला जो फ़ोन था, ये वाला फ़ोन यहाँ रखा हुआ था ट्राईपॉड के साथ, और क्या हुआ कि वो तो अच्छा है कि भाई दूसरी चाबी भी है मेरे पास गाड़ी की, तो घर में फ़ोन किया क्योंकि बैंक और घर पास में था, तो यार इसका बड़ा बेनिफिट मिला कि भाई दक्ष को बोल मतलब वाइफ को बोला कि भैया चाबी भेज दो नहीं तो मैं तो फंस गया, आज मैं जा भी नहीं पाऊँगा। तो वाइफ ने क्या किया भाई की चाबी भेज दी तो भाई काम हो गया, नहीं तो बहुत बुरा, लिटरली बहुत बुरा फंसे थे। ही रहता है यार, मुझे समझ नहीं आता एक्चुअली में, थोड़ा सा पैच बन रहा है, बन क्या रहा है वो नहीं पता लेकिन बना तो रहे हैं, थोड़ा सा छोटा सा पैच है ये, और इस पैच की वजह से ना यहाँ पर पूरा ही जाम रहता है, जो रोड है ना पूरा ही जाम रहता है यहाँ पे। चौक है, रेड लाइट है, लेकिन यहाँ पे जाम ही मिलेगा आपको हमेशा, क्योंकि जब तक ये जो कंस्ट्रक्शन चल रही है ना साइड में ये पूरी नहीं होती हो जाती तब तक ये जाम रहेगा ही रहेगा, कुछ नहीं कर सकते इसका। छल्ली वाले बहुत है भैया यहाँ पे, एक बात है छल्ली वाले ना बहुत सारे हैं और मज़ा आता है भाई छल्ली वल्ली खाने में ना, मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद है, मैं तो नहीं खाता लेकिन मेरे बच्चे छल्ली वल्ली सब खाते हैं, तनु भी खाती है और दक्ष भी खा रहा है, कैमरा लगा हुआ है, तेज़ नहीं भगा सकते भाई, नहीं भगा सकते। गाड़ी बड़ी प्यारी चल रही है यार, स्मूथ, बहुत स्मूथ चल रही है भाई, मज़ा आ रहा है कट मारने में, मज़ा आ रहा है, बहुत दिनों बाद निकाली है पता है, कम से कम 15 दिन बाद गाड़ी निकली है। अब रीज़न अगर बताऊं तो रीज़न ये था कि भाई फीवर आ रहा था मुझे, उसके बाद क्या हुआ प्लेटलेट्स डाउन चले गए 52,000, तो डॉक्टर ने बोला भैया सीधा आ जाके एडमिट हो जाओ फटाफट से, तो एडमिट अपन हुए नहीं। अब एडमिट नहीं हुए तो उन्होंने बोल दिया भैया घर पे इलाज ले लो, तो भैया घर पे इलाज ले लो, उन्होंने दवाइयाँ दे दी और बोला कि भैया रेस्ट करो, फुल रेस्ट जितना कर सकते हो। तो मैंने बोला ठीक है भाई करते हैं रेस्ट। तो घर पे क्या हुआ कि घर पे नारियल पानी, बकरी का दूध, पपीते के पत्ते, मौसमी, इतना ज़्यादा भाई खाया, पार दिया बिल्कुल भाई, कसुत्ती निकाल दी बिल्कुल, और भाई प्लेटलेट वापस से अच्छा, पहली जो 52,000 थे ना पहला चेक कराया तो 57,000, और भाई साहब जब दूसरा चेक कराया ना दूसरा टेस्ट भाई 42,000 भाई, बिल्कुल लिटरली मैं भाई अब तो गए मैं अब तो भैया हॉस्पिटल जाना पड़ेगा मेरे को ये होता भाई मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊँगा चाहे जो मर्जी हो जाए भाई, इस बार बीवी को मैंने बोल दिया भाई मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊँगा।
इस तरीके से भाई लिटरली यार मैं कहूँ भाई डर डर के मारे हालत खराब। मैं यार अगर भाई हॉस्पिटल गया ना, एक तो साला दो दिन तीन दिन का बोल के हफ्ता दस दिन रोक लेंगे पहली बात। दूसरी बात ये कि साला जो थोड़ा बहुत काम वाम आया हुआ था, कुछ अर्जेंट जो अर्जेंट काम वाम आया हुआ था, सब अटक जाता भाई। तो फिर मैंने बोला भाई एडमिट वेडमिट ना हो रहा भाई, मैं तो भाई घर पे ठीक होऊंगा भाई। उसके बाद बीवी ने पूरा मतलब मन बना लिया, पूरी पैकिंग हो गई घर पे बिल्कुल रेडी कि भैया अगले दिन हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। और भाई मेरी भी दुख दुख हो रही थी, बीवी को मना भी नहीं कर सकते क्योंकि भैया लाइफ है तो सब कुछ है और डिसीज़न उसी का होता है लास्ट। लेकिन फिर भी मैंने उसको बोला, मैंने यार एक बार ना डॉक्टर से बात कर लेते हैं अगर वो अच्छा, मैंने बोला मतलब एक बार डॉक्टर से बात कर लेते हैं अगर वो बोलेंगे तो ठीक है भाई, एक बार बता तो दें कि भैया एडमिट होने आ रहे हैं हम और आप मिल जाओगे ना, मतलब ये ना होगी मंडे था, ये ना होगी कि साला हम आए और तुम कहीं घूमने घामने गए हो, संडे निकला ही था, मतलब क्या पता भाई मंडे ट्यूजडे को भी तुम कहीं घूम घाम रहे हो और तुम वापस नहीं आए तो साला हमारी तो बैंड बज जाएगी भाई। तो मैंने फ़ोन किया डॉक्टर वी के रस्तोगी जी हमारे, उनको भाई उन्होंने फ़ोन करके बोला कि कितना अमित क्या हुआ प्लेटलेट्स, मैंने 42 सर, कह रहे यार कम है लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हें ना अभी एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है, एक बार डाउन मारता है फिर उसके दप होगा। ये भाई मेरी जान में जान आ गई, मैंने बोला सर सेम कसम से बाई गॉड, सेम कसम से भाई बाई गॉड बिल्कुल सच बात बता रहा हूँ आपको, मैंने बोला सर यही जो शब्द है अच्छे वाले ये मेरी बीवी को बोल दो, मेरी भाई साहब मेरा बैग रेडी कर दिया उसने एडमिट कराने के लिए। भाई डॉक्टर साहब ने बोला हाँ मेरी बात कराओ, मैंने बात कराई तो भाई डॉक्टर साहब ने बोला कि भाई अमित को भी एडमिट मत करो, एक दो दिन और देख लो, और लेकिन यह है कि प्रेशर कहीं पे भी नहीं लगाना है, मतलब सेंस अगर आप पॉटी जाते हो प्रेशर मत लगाओ, ब्रश करना नहीं है उंगली से ब्रश करो, और नोज़ वोज में खुजली नहीं करनी भाई, जिसके भी प्लेटलेट्स कम होते हैं ना वो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना भाई, और बता रहा हूँ बहुत ज़रूरी है यार कि भाई प्लेटलेट्स कम जब होते हैं तो ब्लीडिंग होने का डर होता है। प्लेटलेट्स शायद एक ऐसी चीज़ होती है जैसे, ज़्यादा तो नहीं पता लेकिन हाँ एक ऐसी चीज़ होती है कि भाई जो हमारी बॉडी से ब्लड बहने से रोकता है, उसको ब्लड को मोटा करता है और ब्लड बहने से रोकता है। भाई कितना प्यारा लग रहा है रोड यार, हाँ कई कई दिनों बाद आऊँ ना तो अच्छा लगता है। हाँ तो मैं कह रहा था कि ऐसा कुछ होता है कि जिससे ना क्या होता है कि आपका ब्लड जो है वो थोड़ा सा थिक हो जाता है तो वो फिर बहता नहीं है जल्दी से, नहीं तो प्लेटलेट्स में हमेशा दिक्कत होती है ब्लड की, ब्लड लॉस्ट होता है तो रुकता नहीं है अगर आपके प्लेटलेट्स कम है। तो भाई क्या हुआ कि मेरे को आराम के लिए बोल दिया था डॉक्टर ने, बीवी को बोल दिया, उसके बाद भाई फिर हमने फिर टेस्ट कराया तो 60,000 के आसपास आ गया, फिर 58,000 आ गया, फिर उसके बाद 67 आ गया, ऐसे करते करते 91 और अब 110 हो गया था। 110 के बाद फिर हमने टेस्ट अभी नहीं कराया है, हो गए 3-4 दिन हो गए मेरे ख्याल से 110 हुए, लेकिन डॉक्टर से बात रेगुलर हो रही थी, वो कह रहे थे ठीक है अब कोई दिक्कत नहीं है अब वो बढ़ेंगे। और यार वायरल भी कमाल का होता है यार, इसमें प्लेटलेट गिर रहे होते हैं भाई, मतलब मेरा सबसे अनुरोध है भाई सब लोग ध्यान दो, अगर किसी को भी आपके घर में आपके आसपास में आपके जो भी नोन में हो किसी को भी वायरल होता है ना तो भाई उसके प्लेटलेट्स जरूर चेक कराना, क्योंकि अगर कई बार ना बुखार में अब जो बुखार आ रहे हैं इनमें प्लेटलेट्स होते हैं और आगे चल के बहुत बड़ी दिक्कत ना हो जाए, इसीलिए भैया सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। हाँ भाई सही सही करो, ओह वाह 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 क्या बात है, इधर से तुमने रोक लिया इधर से तुमने रोक लिया, वाह 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 क्या बात है भाई, ऐसे ही करो बस ऐसे ही करो भाई, बहुत बढ़िया कर रहे हो बहुत बढ़िया। हाँ यार कमाल की बात है, तो मतलब इस चीज़ का विशेष ध्यान रखो। अच्छा उसके बाद मैंने फिर भी मैंने रेस्ट किया और दो एक दिन से ही बस ऑफिस जाना ना शुरू किया है, शाम को थोड़ी बहुत देर के लिए जा रहा था, कल या परसों भी मैं गया था, एक मीटिंग थी छोटी सी वो करने गया था, आज फिर जा रहा हूँ, एक मीटिंग थी सुबह, एक काम था वो छोटा सा किया और अभी मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। इतनी कम जगह छोड़ देते हैं भाई मेरी गाड़ी के लिए, भाई बड़ी गाड़ी है थोड़ा सा जगह ज़्यादा छोड़ दो भाई, तो ये वाली बात है। तो अभी फटाफट से ड्राइव कर लेते हैं ठीक है ना, और ड्राइव करके फिर थोड़ी देर बाद आपसे बात करते हैं। अब आ गए भाई भोरगढ़ के जंगलों में भाई, यहाँ से शेर चीते भालू